हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर करंट अफेयर्स क्लास। तो 11 जून की हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। 11 जून में जो भी न्यूज़ दिए थे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में पोस्ट कर रखे थे, उसके आंसर्स आप लोगों ने वहां पर दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सम ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें 12 टेस्ट हैं एंड दैट इज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 सिविल सर्विसेज। क्वेश्चन देखें अगर, तो पहला क्वेश्चन था रेमन मैग्सेसे अवार्ड को लेकर के कि इस साल में कैंसिल कर दिया गया है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में है। देखिए अगर अवार्ड के बारे में बात करें तो यूपीएससी में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे सच नहीं आते हैं। 2015 में एक बार सरस्वती अवार्ड को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था, बट उसके बाद से अवार्ड को लेकर क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। तो आप इनफैक्ट इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप भी करते रहते हैं इसी वजह से। बट अगेन एक फोकस जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है यूपीएससी वापस से इन चीजों को उठा सकती है। तो इस वजह से एटलीस्ट अवार्ड को, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनके बारे में जरूर देख लेना चाहिए, जैसे रेमन मैग्सेसे हो गया या फिर आपकी एबल अवार्ड हो गई या फिर नोबेल वगैरह हो गई, इन सब के बारे में देख लेना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इट इज अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर, नहीं वर्ल्ड्स नहीं है, एक्चुअल में एशिया का हाईएस्ट ऑनर है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ऑनर होता है उसको नोबेल प्राइज ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजन की नोबेल प्राइज बन जाती है, मतलब एशिया की नोबेल प्राइज बन जाती है। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 बाय द ट्रस्टी ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलिपीन गवर्नमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बारे में अगर कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करें तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग देख लिए हैं कि किसके द्वारा बनाया गया है। इट इज अवार्डेड एनुअली टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एशिया रीजन फॉर देयर एल्टुरिस्टिक एंड फिलान्थ्रोपिक सर्विसेज। तो इस तरीके से जो परोपकारी काम किया रहता है, बढ़िया काम किया रहता है, उसको इंडिविजुअल बेसिस पे एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया एनजीओ को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनजीओ कोई भी दिया जा सकता है। यहाँ पर मेडलियन, मतलब कुछ कुछ चीजें जो दी जाती है वो कैश प्राइज होती है, सर्टिफिकेट होती है, सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो सीबीआईसी के बारे में बात किया गया है। इससे पहले सीबीआईसी का जो नाम हुआ करता था वो इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड था, लेकिन अब इसको जीएसटी के आने के बाद मर्ज कर दिया गया था। कस्टम एक्साइज सबको मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बना दी गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, दैट इज सीबीआईसी। इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पहला स्टेटमेंट यानी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने भी चर्चा ही किया कि जीएसटी के आने के बाद गवर्नमेंट ने ये मर्जर कर दिया था। नाउ द क्वेश्चन, एक और चीज यहां पर आ सकती है कि ये जो सीबीआईसी का नाम चेंज किया गया था, क्या ये नेम चेंज स्टैट्यूटरी होती है या फिर कैसे की जाती है? तो देखिए, नाम चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, प्रधानमंत्री पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और पोर्टफोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो केवल और केवल एक कह सकते हैं कि दिस इज अ एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। तो ये एग्जीक्यूटिव काम होता है, यहां पर पार्लियामेंट्री काम नहीं होती है, इस वजह से इसको स्टैट्यूटरी आप नहीं बोलेंगे, दिस विल बी एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। क्लियर हो गया? चलिए, यहां पर ये सीन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में, मतलब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, तो रिसेंटली द डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम तुरंत कस्टम। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मॉडल है। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मॉडल का मतलब ये हो गया कि अब ये क्लाउड से कनेक्ट होगा और ये लगातार क्लियरेंसेस दिलाते जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पोर्ट पे कई सारी चीजें, जब भी पोर्ट पे मतलब कोई सामान आता है तो वहां पर बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने होते हैं, कस्टम क्लियरेंस लेना होता है, FSSI के क्लियरेंस लेने होते हैं अगर ये फूड प्रोडक्ट है, या फिर रिस्पेक्टिव कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी भी क्लियरेंस लेनी होती है, फिर उसके बाद से लाइसेंस दिखाना होता है, साथ ही साथ परमिशन लेनी होती है, सर्टिफिकेशन लेना होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो पोर्ट पे क्लियरेंस लेना होता है, जिसके कारण से सामान जो होता है वो नियर अबाउट 5 to 7 days, कई कई बार 10-10, 15-15 दिन तक रुका रह जाता है, जिसके कारण से हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें रैंकिंग लगातार हमारी गड़बड़ हो जा रही थी। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ने ये पूरा का पूरा सिस्टम निकाला और इस तरीके से तुरंत तुरंत कस्टम के नाम पर ये पूरा सिस्टम निकाला, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकाला, जिसके बेसिस पे हम लोग ये काम करते हैं। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी क्योंकि अगेन फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड पार्ट इसका करेक्ट नहीं, और इसलिए आंसर केवल और केवल ए हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे अगर बात करें तुरंत कस्टम के बारे में, थोड़ी सी बेसिक डिटेल देख लीजिए। तो सीबीआईसी के सिस्टम है जो कि बेंगलुरु और चेन्नई, इन दो जगहों पे केवल और केवल अभी किया गया है। देखिए यहां पर भी अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ऑल इंडिया कर दिया गया है, तो आप बोलेंगे नहीं, ऑल इंडिया नहीं किया गया, अभी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे चल रहा है,
अगर इसकी सक्सेस हो जाएगी, और इनफैक्ट सक्सेस नहीं, कई बार क्या होता है पायलट प्रोजेक्ट हम एक्सपीरियंस बेसिस पर भी चला रहे होते हैं, हमें एक्सपीरियंस हो जाती है, हमें गलतियां पता चल जाती है, हमें देख लेना होता है क्या क्या सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, फिर हम लोग इसको ऑल इंडिया बेसिस पे लॉन्च करते हैं। तो सेम थिंग यहां पर भी की गई है। अंडर दिस इंपोर्टर विल नाउ गेट देयर गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम आफ्टर ए फेसलेस असेसमेंट इज डन रिमोटली। इसे क्या होगा, जो छोटे 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 इन्वेस्टर हैं या कह लीजिए जो मिडिल टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफी ईज हो जाएगा, आसानी हो जाएगी बिजनेस करने के लिए, और इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारी रैंकिंग काफी ऊपर चली जाएगी। नाउ द गुड्स इंपोर्टेड एट चेन्नई मे बी असेस्ड बाय द कस्टम ऑफिसर लोकेटेड एट बैंगलोर, और इस तरीके से दूर दराज में भी जाकर के कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, समथिंग रिलेटेड विद कोरल्स, कोरल के बारे में देख लेते हैं क्या चीज है, काफी इंपॉर्टेंट, और ये 3 मेगा इकोलॉजिकली डाइवर्स रीजन में से आता है, इकोलॉजिकल डाइवर्स रीजन, इसमें से एक आती है हमारी कोरल्स, फ्लोरा एंड फौना ये सब भी आ जाती हैं। पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो कोरल्स आर बेसिकली कैल्शियम स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम के ही होते हैं, विच आर जनरली नियर टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बिल्कुल करेक्ट है, यहीं पर ये शेल्फ जो होते हैं यहीं पर आते हैं, शैलो वाटर में ये प्रेजेंस होती है, शैलो वाटर चाहिए होता है, हल्का सा सैलाइन वाटर चाहिए होता है, ज्यादा भी नहीं, स्लाइट सैलिनिटी चाहिए होती है, और साथ ही साथ चाहिए होती है सन रेज इसको। तो ये बेसिकली कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके जरिए कोरल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि रिपोर्टेड कंटिन्यूअस डिक्लाइन, बिल्कुल करेक्ट है, देखिए यहां पर भी, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ऑयल स्पिलेज हो रखी है फिलहाल, जैसे ईरान में एक ऑयल स्पिलेज हुई थी, फिर उसके बाद बे बंगाल में लगातार होती रहती है, सी साउथ चाइना सी में हो गई, अभी रिसेंट में देखिए रशिया में हो रखी है, तो इस वजह से जो कोरल है उनको काफी नुकसान हो जाता है, और इसी वजह से कंटिन्यूअस डिक्लाइन ये शो किए हुए हैं। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा सी। एक और कोरल से रिलेटेड क्वेश्चन, और इनफैक्ट यही करंट अफेयर्स की क्वेश्चन थी, तो करंट अफेयर्स में मैं थोड़ा सा बेसिक्स भी आप लोगों को ब्रश अप कराने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, ताकि आप बेसिक्स भी उतना ही अच्छे से तैयार किए रहे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, कोरल ट्रायंगल के बारे में बात किया गया है। कोरल ट्रायंगल बेसिकली जो साउथ ईस्ट इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया के एक्चुअली जितने भी कंट्रीज हैं वो लोग मिलकर के एक साउथ मतलब कोरल ट्रायंगल डे मनाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, और इनका काम होता है प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन, ऑल थ्री, ऑल ऑफ द अबव के बारे में। अगर कोरल ट्रायंगल डे के बारे में बात करें तो हर साल 9 जून को मनाया जाता है। इट इज अ मैसिव सेलिब्रेशन ऑफ कोरल ट्रायंगल, जहां पर वर्ल्ड की जो एपिसेंटर होती है, जो फोकस होता है, वो होता है मरीन बायोडाइवर्सिटी। 6 कंट्री मिलकर बनाते हैं, और ये एशिया पैसिफिक के रीजन है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, पीएनजी हो गई, फिलीपींस हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, और तिमोर लिस्ते आइलैंड हो गई। ऑब्जेक्टिव इसका अगर बात करें तो ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा एक साथ एक दिन ये ओशियन कंजर्वेशन और जो इसके प्रजर्वेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको ये आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कोरल ट्रायंगल के दिन। ठीक है, तो कोरल ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इट इज बेसिकली वन ऑफ द 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जो अभी मैंने आप लोगों को बात किया उसमें से एक होते हैं। यहां पर कहां कहां पे पाया जाता है, तो एक पाया जाता है कॉन्गो बेसिन के पास में, अफ्रीका में अमेजन रेन फॉरेस्ट के पास में, साउथ अमेरिका, और तीसरी पाई जाती है जो हमारी बे ऑफ बंगाल के रीजन के पास में है, यहां पर भी पाई जाती है, और इंडियन ओशियन में भी कुछ हद तक पाई जा रही होती है। 76% ऑफ द ऑल नोन कोरल स्पीसी हम देख चुके हैं, 37% ऑल नोन कोरल रीफ फिशेज स्पीसी, और 53% वर्ल्ड कोरल रीफ है। डेटा याद रहेगा, इट इज गुड फॉर योर मेन्स, इसे आप जो है ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने आंसर को। ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक करंट अफेयर्स था बेसिकली ये। तो फर्स्ट कोरल डे जो मनाया गया था 2012 में मनाया गया था, उसके बाद लगातार ये मनाया जाता है। क्वेश्चन के बारे में बात करें नेक्स्ट, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द कोरियन पेनिनसुला, कोरिया के झगड़े के बारे में सबको ही पता है। तो कोरिया में बेसिकली आप इसकी वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप जब जाएंगे तो कोरियन पेनिनसुला में बेसिकली दिस वॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, जहां पर नॉर्थ कोरिया को एक तरीके से अपनी आइडियोलॉजी दे दी गई थी रशिया के द्वारा, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, और जो साउथ कोरिया था उसको दे दिया गया था यूएसए के द्वारा। दोनों में आपस में आइडियोलॉजिकल वॉर है, आइडियोलॉजिकल वॉर का मतलब दिस इज कम्युनिस्ट सोशलिस्ट नेचर में चली जाती है, और ये बेसिकली कैपिटलिस्ट है। इस वजह से इन दोनों में काफी ज्यादा दरारें आ गई, और दरार आने का ही रीजन था कि अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे के एनिमी बन गए, और एनिमी इस कदर बने हुए हैं कि दिस बाउंड्री बिटवीन दीज टू कंट्री नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज नोन एज मोस्ट डेंजरस बाउंड्री। जैसे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री भी मोस्ट डेंजरस में आती है, उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की भी बाउंड्री मोस्ट डेंजरस में आती है।
38 पैरेलल के बारे में बात करें, 38 पैरेलल एक्चुअली इन दोनों को डिवाइड करती है, तो बस यही है डिमार्केशन लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, डीएमजी के बारे में है। तो डीएमजी एक्चुअली क्या है कि साउथ कोरिया में एक सुपरमार्केट टाइप का आप बोल सकते हैं। तो यहां पर सुपरमार्केट है जो बेसिकली नॉर्थ कोरिया को एक तरीके से थोड़ा सा एग्रेशन में लाने के लिए किया गया है। यहां पर म्यूजिक्स वगैरह बजते रहते हैं लगातार, और साथ में सोविनियर्स बेचे जाते हैं। सोविनियर का मतलब ये हो गया कि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट यहां पर बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे कह लीजिए कि छोटे छोटे पिक्चर्स मिल रहे होते हैं। तो ये होती है, ये बेसिकली ये दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ में डिप्लोमेटिक इस तरीके से एक वॉर करने के लिए बना के रखी गई है डीएमजी, जो ये बेसिकली जो है दोनों के बॉर्डर एरिया में ही फ्रंटियर जोन में ही एस्टैब्लिश करके रखी गई है। और अगर बात करिए है कहां पे, तो ये है साउथ कोरिया में। ठीक है, तो ये साउथ कोरिया में डीएमजी हो जाती है। कोरियन पेनिनसुला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिलहाल में क्या हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ में सारे कनेक्शन सब कुछ ही बंद कर दिए हैं और ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। नॉर्थ कोरिया हैज सेड दैट दिस वाज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ एक्शन डिस्क्राइबिंग द साउथ कोरिया एज द एनिमी, और ये एनिमी तो आज की नहीं बहुत पुरानी ही है। दिस मूव वाज ट्रिगर्ड बाय साउथ कोरियन एक्टिविस्ट हु सेंट एंटी प्योंगयांग मैसेज इन बलून्स अक्रॉस द बॉर्डर। तो इस तरीके से अगेन कुछ ना कुछ जनता कर देती है, जिसके कारण से कंडीशन जो होती है वो वर्स हो जा रही होती है। क्लियर हो गया? इसके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दैट। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें, तो राइट टू हेल्थ फिलहाल क्या है? देखिए, होने को तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता, या फिर कह सकते हैं दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, और यू कैन से इट वुड हैव बीन स्टैट्यूटरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट या फिर कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन आ रखी है, और उस इंटरप्रिटेशन पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू हेल्थ कवर्स अंडर या कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21, एंड दैट इज वाई इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इनफैक्ट 2017-16 में प्रीलिम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे 2016-2017 में, और काफी लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम फेस किए थे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगेन न्यूज़पेपर काफी ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इनफैक्ट पॉलिटी इज गुड, लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ रहे होते हैं, बट अब इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो खैर पढ़ना तो पड़ेगा ही, फिर भी कभी भी आ सकता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, और न्यूज़पेपर का कोई भी विकल्प नहीं होता है। न्यूज़पेपर हालांकि दो पढ़ने चाहिए, कोई भी आप जैसे अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड रीड टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, हमेशा दो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होती है कि आपकी पर्सपेक्टिव जो होती है वो बैलेंस हो रही होती है, अदरवाइज एक न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो केवल और केवल आइडियोलॉजी में काफी ज्यादा चेंज आने को मिलता है। खैर छोड़िए, इतना आपको बेकार की चीज है, चलिए खैर। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एशियाटिक लायन। फिलहाल में 15th सेंसस होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया है कोरोना के कारण से, और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है कि दे आर वल्नरेबल इन IOCN लिस्ट, बताइए है कि नहीं। तो लेटेस्ट के हिसाब से फिलहाल ये वल्नरेबल नहीं है, ये होती है इनडेंजर्ड, तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा ये इनडेंजर्ड है। हालांकि मैं आप लोगों को एक एनवायरनमेंट की पूरी लिस्ट लेकर के आऊंगा, जहां पर नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे, टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, और एलिफेंट रिजर्व के बारे में, क्योंकि एनिमल मैन एनिमल कंफ्लिक्ट काफी ज्यादा हो रखे हैं, काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जितने भी एनिमल्स मतलब कि जो भी रेड लिस्ट में रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर इस पे क्वेश्चन पे अगर बात करें तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि इंडेंजर्ड है। सेकंड, यहां पर बोलता है कि 15th लायन सेंसस हैज रिपोर्टेड, 15 तो हो ही नहीं पाई, ये तो है ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर एक पूर्ण अवतरण किया गया है जिसमें ये काउंटिंग की गई है, तो फिलहाल दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बारे में अगर कुछ डिटेल के बारे में बात करें तो दिस इज बेसिकली कटिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस पेपर, जहां पर बात किया गया है कि हाउ गुजरात एस्टिमेटेड इट्स लायन पॉपुलेशन विदाउट होल्डिंग अ सेंसस। यहां पर बोला गया है कि गिर फॉरेस्ट में बेसिकली काफी मतलब संख्या बढ़ गई है, पहले 523 केवल थी और अब जो होती है 600 प्लस हो गई है, तो जो अच्छी खासी जो होती है एक प्रोग्रेस देखने को मिली है। साथ ही साथ दो नए सिटीज मिल गए हैं जहां पर अब लायन की मतलब ये जो एशियाटिक लायन है इसकी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। नाम क्या है शहर का याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट हाँ याद रखिए ये कि हाँ एक्सटेंडर हो गया है। यहां पर साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि कंडक्टेड जो लायन सेंसस होती है वो हर 5 साल पे कवर की जा रही होती है, लेकिन फिलहाल इस बार नहीं किया गया है। तो किया क्या गया है, इस बार किया गया है पूनम अवलोकन, दिस इज द पूनम अवलोकन, जहां पर स्टाफ के द्वारा फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा बेसिकली लायन की काउंटिंग की जाती है। यहां पर ये एक बात का इंश्योर किया जाता है
कि ये मिनिमम नंबर होती है, मतलब इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी काउंटिंग की गई है उसमें ऑब्वियसली लॉयन की संख्या बढ़ गई है, एशियाटिक लॉयन बढ़ गए हैं, बाकी अब जब सेंसस किया जाएगा तो एक्चुअल डिटेल, एक्चुअल नंबर सामने आएंगे। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन होता है तो आप इन सोर्सेज का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।